ओम शांति। आज की तारीख है 9/9/22 और आज कौन सा दिन है? कहते हैं गणेश विसर्जन का आज दिन है, अर्थात 9-10 दिन तक गणपति बप्पा को मेहमान के रूप में हमने घर में प्रस्थापित किए और अब आज उनको विदाई देने का दिन आ गया। तो कई बार गणपति बप्पा को विदाई देते देते अनेक आत्माओं के हृदय में दुख और अशांति की एक उदासी की लहर छा जाती है, क्योंकि बप्पा जब तक थे घर में मेहमान, सबसे बड़ा मेहमान, जब तक वो घर में थे तो घर में एक रौनक बनी हुई थी, एक बाहरी मौसम था, सब खुश खुशहाल रहते थे। लेकिन आज उनकी विदाई पर सभी गदगद हो रहे हैं उनसे जुदा होके। परंतु याद रहे कि बाप्पा को विदाई नहीं देते, परंतु मीठे मीठे बाप दादा जैसे कहते हैं। आइए सुनते हैं पहले बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है, और तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। तो ये जो बड़े बड़े हमारे बापा मेहमान बन करके आए, तो उन्होंने हमको जीवन को जीना सिखलाया और जीवन को जीने के साथ साथ हमें पावन बनने की भी प्रेरणाएं दी। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न, बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं निरहंकारी हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरहंकारी बनो। बाप ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं, पावन बनने से ही तुम बाप समान बनेंगे। प्रश्न दूसरा है, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः ही बैठ जाते हैं? उत्तर है, मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका क्या पार्ट है, और आत्मा में कैसे अनादि पार्ट भरा हुआ है जो वो बजाती रहती है। तो ये सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। गीत बजा है, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार के दो गीता के महावाक्य, नंबर 1, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, बाकी साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी है, ना उम्मीद बन, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। नंबर 2, चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है, राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान सतगुरु बाबा का कि अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ, अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। बाबा कहते हैं कि विघ्न विनाशक वही बन सकते जिनमें सर्व शक्तियां हो। तो सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ,
सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ। कितने भी रूप से माया आवे, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहो। रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ। अनुभव करो कि बाप दादाओं की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है, तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। स्लोगन है, सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने वाले और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।